मैं अरुण कुमार शाही डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। जेई की मेंस में आपने अच्छा अंक प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है आप अपने परिचय के साथ जानकारी दें। मैं अपूर्व भास्कर डीए बकड़ी का छात्र हूँ। मैं अभी 12 साइंस में पढ़ता हूँ। मैं भगवानपुर का रहने वाला हूँ और मैंने अभी जेई मेंस की परीक्षा में 99.18 परसेंटाइल प्राप्त किया है। मैं अपने मार्क्स का श्रेय अपने माता पिता दादाजी चाचू सबको देना चाहता हूँ और मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत हेल्प किया है इसमें। मुझे अच्छा पढ़ने का माहौल मिला घर में जिससे मैंने अच्छा किया जेई मेंस के एग्जाम में। आपका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं? अभी जेई मेंस मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, फिर इसके बाद मुझे जेई एडवांस क्वालिफाई करके मैं लक्ष्य आईआईटी में जाना है और वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना चाहता हूँ 4 साल के लिए। और फिर उसके आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इंजन को पढ़ के मैं उसमें इंजन के बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ। उसके बाद कैसे आपने पढ़ाई किया, क्या तरीका था आपका पठन पाठन का? सर सबसे पहले मैंने 11th स्टार्ट किया, फिर कुछ दिन मैंने सेल्फ स्टडी की, फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया फिजिक्स वाला का और फिर वहां के भी टीचर से मेरा बहुत हेल्प किया। क्लासेस रेगुलरली अटेंड करता था, फिर स्कूल से मैं आता था, फिर 4 घंटे मैं रेगुलरली क्लासेज अटेंड करता था, फिर सेल्फ स्टडी भी करता था रात में और जो भी मुझे काम मिलता था मैं उसे ढंग से करता था और मैं रोज का अपना डेली गोल बनाता था और उसे पूरा करने के बाद ही मैं सोता था, जिससे मुझे इसका परिणाम मिला जेई मेंस की परीक्षा। अन्य छात्रों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे वो पढ़ाई करें कि वो भी शिखर प्राप्त कर सकें? जेई मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए हमें अपने वो कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है सबसे पहले, और जो भी हमारा कम्फर्ट जोन होता है उससे बाहर निकलना पड़ता है और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है एग्जाम के लिए और बहुत बार बीच में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, पर इन सबको टालते हुए हमें आगे बढ़ना होता है और करते करते फिर सही से पढ़ना होता है और फिर एग्जाम देना होता है सही तरीके से। आप जरा सा बताएं, आपका ये पोता है जी, आपने इसको क्या क्या सुविधा दिया है, थोड़ी सी इस संबंध में आप जानकारी दें। मैं हमेशा प्रेरणा देता हूँ पढ़ो, है ना, पढ़ने में सब कुछ है और पढ़ाई से सारा तुम प्राप्त करोगे। सारे बच्चों को स्कूल से लेकर आज तक मैं यही शिक्षा देता रहा हूँ कि किताब से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है और किताब में तुम लगे रहो, समय निकालकर खेलो भी और पढ़ो भी। क्या माहौल दिए हैं? बच्चा ने बताया कि शैक्षणिक माहौल हमें घर में प्राप्त हुआ। माहौल है कि मेरे बच्चे पढ़े और मैं सबको बस प्रेरित करता रहता हूँ कि आप पढ़ते रहे। आपके घर परिवार में शैक्षणिक माहौल का वातावरण ज्यादा है जी। अच्छा, आप क्या करते थे सर? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ हाई स्कूल से, इंग्लिश में पोस्ट है और मैं आप देखेगा स्कूल में जाकर भी कि मेरा नाम हाथ को जानता है शंभूशरण मिश्रा और सारे बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि तो बुक्स बढ़कर दूसरा कोई फ्रेंड है नहीं। आप अपने पुत्र के विषय में बताएं, क्या आपका नाम क्या हुआ? मोना कुमारी। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आज तो आपकी अपार खुशी होगी इतना अच्छा मार्क्स आने से। जी बहुत खुश है हम। अच्छा, क्या आपने अपने बच्चों को कैसे ये पठन पाठन कराया जो कि इतना अच्छा अंक आया, इस संबंध में आप कुछ बताएं? ये हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपना अच्छे से पढ़ना और रूटीन का अपना ध्यान रखो, फिर मेहनत यही किया है, मेहनती है बच्चा हमारा। लेकिन कुछ तो दिशा निर्देश आप दिए होंगे, हर अभिभावक अपने बच्चे को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। लोग हमेशा कहते रहते हैं अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आप क्या करती हैं? सर हम पीजी चलाते हैं। छोटा वाला बच्चा है जी। आप क्या करते हैं बाबू? मैं अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा नाम अनूप भास्कर। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं? डीएवी पब्लिक स्कूल बखड़ी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।